हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कुकिंग विद करू। और आज हम बनाने जा रहे हैं सीजन का पहला आलू का पराठा। अस्सलाम वालेकुम। तो देखिए, इसके लिए मैंने ये बॉयल आलू लिया है और अब मैं इसमें कुछ चीज़ें ऐड करूँगी। जो कि देखिए, ये बड़े साइज का दो प्याज है जिसे मैंने बहुत छोटा छोटा चॉप किया है, बिल्कुल बारीक। और साथ ही ये थोड़ा सा हरा धनिया और थोड़ी सी हरी मिर्चें हैं। आलू के पराठे में अगर आप ज़्यादा मसाला डाल देते हो तो जो आलू का खुद का जो टेस्ट है वो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाता है। तो एक बार आप इस तरह बना के ट्राई करके देखें। बस इतना ही मसाला डलेगा इसमें और नमक, और साथ में बस थोड़ा सा ये आधा चम्मच अजवाइन, क्योंकि सर्दी के दिन है, अजवाइन वैसे भी गर्म होता है और इससे टेस्ट भी बहुत बढ़ जाता है। तो सबसे पहले मैं अपना मिक्स आलू का तैयार कर लेते हैं, फिर पराठे बनाना शुरू करते हैं। तो ये रहा आलू, और पहले मैं आलू को अच्छे से मैश कर लेती हूँ। तो देखिए, मैंने ये आलू मैश कर लिया है। अब मैं इसमें ये अजवाइन ऐड करूँगी और साथ ही हरा धनिया, हरी मिर्च और ये प्याज, ये सारी चीज़ें इसमें चली गई। और अब मैं इसमें लगभग दो चम्मच नमक ऐड करूँगी। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड करें, और मेरे हिसाब से दो चम्मच काफ़ी होगा। तो देखिए, ये आलू मिक्स हो गया हमारा सारा, और बिना मसाले का एक बार आप भी ट्राई करें, क्योंकि इसमें बहुत सारा लाल मिर्च, खटाई, गरम मसाला डाल देने से जो आलू का अपना जो टेस्ट है वो दब जाता है। इस वजह से सिर्फ नमक डालिए और इस तरह एक बार बना के देखिए, तो जो आलू का फ्लेवर आएगा ना पराठों में, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो पराठे बनाना शुरू करते हैं हम भी। तो जी, बनाना शुरू करते हैं। देखिए, ये लोई लिया हमने, और अब इसमें जगह बना लेते हैं। और अब इसमें इस तरह से इसका मुंह बिल्कुल पैक कर लेते हैं, ताकि कहीं से बाहर ना निकले। और अब इसको आटे में अच्छे से और इसको हल्के हाथ से पूरा पराठा बेल के तैयार कर लेते हैं। अच्छे से गोल घुमा के पैक कर देंगे इस तरह। अब अपना पराठा देख लेते हैं। देखिए, एक तरह से सिक गया है, थोड़ा सा ऑयल डाल के अब इसको दूसरी तरफ से भी देख लेते हैं। देखिए, ये एक पराठा बन के हमारा तैयार हो गया, और ऐसे ही अब हम बाकी के पराठे बना लेते हैं।
मिठास पराठा भी बनके तैयार हो गया है। तो जी देखिए गर्मा गर्म पराठे बनके तैयार हैं, आलू के यानी के टेस्टी से पराठे, और साथ में ये हरी चटनी, हरी चटनी या फिर टमाटो केचप, बच्चे तो टमाटो केचप के साथ ज़्यादा पसंद करते हैं। तो एक बार आप लोग भी ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।